सरकार सभी चीजों को धीरे धीरे डिजिटाइज करते जा रही है। अब कोर्ट सर्विसेज भी डिजिटाइज हो गया है, जिसे आप अपने मोबाइल फोन के माध्यम से चेक कर सकते हैं। आप चेक कर सकते हैं आपके कोर्ट में जो केस चल रहा है उसकी स्टेटस क्या है, नेक्स्ट हेयरिंग डेट कब है, यानी कि अगली तारीख कब है, पिछली तारीख कब थी, पिछले तारीख में क्या फैसला हुआ था, अगला तारीख हमें कब जाना है, केस का स्टेटस आप पूरी तरह से अपने मोबाइल फोन से ही चेक कर सकते हैं। आपको अपना केस नंबर नहीं भी मालूम है, फिर भी आप ऑनलाइन जा करके अपना केस नंबर निकाल सकते हैं। तो आज के इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि आपका कोर्ट में कोई केस चल रहा है तो आप उसका स्टेटस पूरी तरह से कैसे चेक कर सकते हैं। तो चलिए फ्रेंड्स, वीडियो को स्टार्ट कर लेते हैं। कोर्ट में आपका किसी भी प्रकार का केस चल रहा है, चाहे वो सिविलियन केस हो या क्रिमिनल केस हो, आप उसकी पूरी डिटेल निकाल सकते हैं। उसके लिए आपको सरकार के इस पोर्टल पर आ जाना है, लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, आप जाकर के चेकआउट कर सकते हैं। वेबसाइट का इंटरफेस कुछ इस प्रकार से होगा। फर्स्ट में ही आपको यहाँ पर देखने के लिए मिल जाएगा डाउनलोड ई कोर्ट सर्विसेस ऐप। तो इसकी ऐप प्ले स्टोर पर भी आती है और इसका ऐप एप्पल स्टोर पर भी आता है। आप इसका ऐप डाल करके वहां से भी पूरी जानकारी निकाल सकते हैं। सबसे पहले यहां पर आपसे बोला जाएगा यदि आपके पास CNR नंबर है तो उसे डाल करके इस कैप्चा कोड को आप यहां पर डाल करके सर्च के ऑप्शन पर क्लिक करके केस की पूरी जानकारी ले सकते हैं। यदि आपको अपना केस नंबर नहीं मालूम है तो आपको डरने की जरूरत नहीं है, आप फिर भी अपना केस का डिटेल पूरी तरह से चेक कर सकते हैं। आपको थोड़ा सा नीचे स्क्रॉल करना है, यहाँ पर आप देखेंगे केस लिस्ट, तो आपको इस पर क्लिक कर देना है। यहाँ पर फर्स्ट में आपसे बोला जाएगा सेलेक्ट स्टेट डिस्ट्रिक्ट कोर्ट कॉम्प्लेक्स टू प्रोसीड फर्दर। तो आपको सबसे पहले स्टेट का सिलेक्शन कर लेना है, देन आप यहाँ पर डिस्ट्रिक्ट का सिलेक्शन कर लेंगे, उसके बाद आप यहाँ पर कौन सा कोर्ट पड़ता है उसकी सिलेक्शन कर देंगे। देन आपको कौन सा कोर्ट है उस कोर्ट नेम को आपको सिलेक्शन कर लेना है। एक कोर्ट में बहुत सारे बेंचेस कोर्ट्स होते हैं, बहुत सारे जज बैठते हैं, जिसका अलग अलग क्षेत्र होता है, हर कोई अलग अलग केस देखता है। तो आपको ये मालूम होना चाहिए कि आपका कोर्ट नेम क्या है। कोर्ट नेम सेलेक्ट करते ही केस लिस्ट डेट आपको सेलेक्ट कर लेना है। आप डेट सेलेक्ट करते ही इस कैप्चा कोड को आप यहाँ पे डालेंगे, देन आप देखेंगे आपका जो केस है वो किस कैटेगरी में आता है। यहाँ पर आपको दो ऑप्शन मिलेंगे, फर्स्ट जो है सिविलियन केस है और दूसरा जो है वो क्रिमिनल केस है। सिविलियन केस में सिविलियन टाइप के केसेस होते हैं, जैसे कि पारिवारिक विवाद वगैरह सब, और उसके बाद क्रिमिनल कोर्ट में क्रिमिनल तरह के केस होते हैं जो आप अच्छी तरह से जानते हैं। आप यहां पर से देख लेंगे कि आपका जो केस है वो किस कैटेगरी में आता है और आपको उसी पर सेलेक्ट कर देना है। देन केस की लिस्ट पूरा खुल करके आ जाएगा, पार्टी का नेम आप यहां पर देख सकते हैं, किनके और किनके बीच में केस चल रहा है, केस का पूरा डिटेल आपको बगल में रहेगा, उनका एडवोकेट कौन है वो भी आपको देखने के लिए मिल जाएगा। आप देख लेंगे आपकी कौन सा केस है, देन आपको यहाँ पर एक व्यू का बटन मिलेगा, आपको पूरा डिटेल देखने के लिए इस व्यू के ऑप्शन पर क्लिक कर देना है। देन आपका केस टाइप क्या है वो आपको यहाँ पर देखने के लिए मिल जाएगा, फाइलिंग नंबर क्या है वो आप यहाँ पर देख सकते हैं, रजिस्ट्रेशन नंबर क्या है वो भी आपको स्क्रीन पर देखने के लिए मिल जाएगा, आपका CNR नंबर यानी कि केस नंबर भी आपको देखने के लिए मिल जाएगा। आप यहाँ पर देख सकते हैं नोट द CNR नंबर फॉर फ्यूचर रेफरेंस, यानी कि आपको इस केस नंबर को कॉपी करके रख लेना है, आगे ये आपके बहुत काम आएगा। फाइलिंग की डेट कब हुई थी, रजिस्ट्रेशन डेट कब हुई थी, ये सब आपको यहाँ पर देखने के लिए मिल जाएगा। केस का व्यू QR कोड भी आपको आ जाएगा केस टाइटल के साथ, आप इस वाले ऑप्शन पर जाकर के क्लिक कर देंगे, देन आपको यहाँ पर एक्नॉलेजमेंट मिल जाएगा, आप इसे यहाँ पर से प्रिंट आउट ले सकते हैं। आपको बार कोड भी यहाँ पर देखने के लिए मिल जाएगा, आप जाकर के गूगल लेंस से स्कैन करेंगे तो आपकी केस की पूरा जो डिटेल है वहाँ पर देखने के लिए मिल जाएगा। देन आपका फर्स्ट हियरिंग डेट कब था वो आप यहां पर देख सकते हैं, नेक्स्ट हियरिंग डेट यानी कि अगली तारीख कब है वो आपको यहां पर देखने के लिए मिल जाएगा। केस किस स्टेज पर है वो आप यहां पर देख सकते हैं, कोर्ट नंबर एंड जज क्या है वो भी आपको यहां पर देखने के लिए मिल जाएगा। यहां पर आपको पिटिशनर एंड एडवोकेट मतलब कि जो केस करने वाले हैं उनका नाम देखने के लिए मिल जाएगा, और जो उनके वकील है उनका भी नाम आपको यहां पर देखने के लिए मिल जाएगा। इनके खिलाफ केस किया गया है उनका नाम भी आपको यहां पर देखने के लिए मिल जाएगा। एक्ट उन पे कौन सा लगा है यानी कि कौन सा धारा पर केस चल रहा है वो भी आप यहाँ पर से देख सकते हैं। देन आपको थोड़ा सा नीचे और स्क्रॉल कर लेना है।
देन आपको यहाँ पर केस की पूरी हिस्ट्री दिखाई जाएगी, यानी कि किस डेट में क्या हुआ था। आप इस पर क्लिक करके किसी भी डेट का देख सकते हैं। एग्जाम्पल के तौर पर हम रेंडमली किसी एक पर क्लिक करके आपको दिखा देते हैं, देन उस डेट में क्या फैसला हुआ था, केस कहां पर पहुंचा था, आप यहां पर से देख सकते हैं। आप चाहे तो नीचे स्क्रॉल करके इसकी प्रिंट आउट भी निकाल सकते हैं। नीचे स्क्रॉल करेंगे तो आप यहां पर देख सकते हैं प्रिंट का ऑप्शन आपको देखने के लिए मिल जाएगा। देन हम लोग पीछे जाने के लिए आपको यहां पर एक ऑप्शन दिख रहा है बैक का, तो आपको इस पर क्लिक कर देना है। अब आपके पास फाइलिंग नंबर से लेकर के रजिस्ट्रेशन नंबर, CNR नंबर, सारा कुछ आपके पास अवेलेबल है। किन के खिलाफ केस है, कौन करने वाले हैं, कौन किसका वकील है, किस डेट में क्या हुआ था, आप घर बैठे ही चेक कर सकते हैं। आपको कोर्ट जाने की भी जरूरत नहीं है। किसी प्रकार से आप कोर्ट नहीं जा पाते हैं तो पूरी डिटेल आप इस प्रोसेस से 2023 में हमारी वीडियो को देख रहे हैं तो घर बैठे ही पूरी हिस्ट्री, पूरा स्टेटस, किस डेट में क्या हुआ है, सारा कुछ अपने आप मोबाइल फोन से ही चेक कर सकते हैं। इस प्रोसेस से आप अपने पूरी केस की हिस्ट्री चेक कर सकते हैं। उम्मीद करते हैं कि आपको ये हमारा वीडियो पसंद आया होगा। यदि हमारा वीडियो आपको पसंद आया हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक और शेयर भी जरूर कीजिएगा, ताकि और लोग भी अपने नॉलेज में कुछ नया जोड़ पाएंगे। हमारे चैनल पर रोज इसी तरह के इंफॉर्मेटिव वीडियो अपलोड होते रहते हैं। मिलते हैं आपसे आगे किसी और वीडियो में, तब तक के लिए बाय फ्रेंड्स।